उसके बाद जो वो अब फिर वो सवाल करते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि रोजे कयामत मेरा हश्र नूर में हो। उन्होंने इतना सब पूछ लिया आका से कि अगर यही एक रिवायत पेश नजर रहे तो हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफी है। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि नूर में मेरा हश्र हो, यानी तारीकी में अंधेरे में मेरा हश्र ना हो, बल्कि मेरा हश्र कयामत के दिन नूर के अंदर हो। तो आका करीम नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। यानी अगर चाहते हो कि तुम्हारा हश्र नूर में हो तो किसी पे जुल्म मत करो। अब यहां जुल्म से मुराद क्या है? कोई ताकतवर किसी कमजोर को दबाए, ये जुल्म है। कोई बड़ा किसी छोटा, अगर किसी चीज का वो हकदार है उसको ना दे, उसका हक मार ले, तो ये जुल्म है। इसी तरह जो बंदा जिस इज्जत के लायक हो आप उसको वो इज्जत ना दे, तो ये भी जुल्म है। बल्कि जुल्म की तारीफ मुख्तसर में ये बयान कर दी गई कि किसी को उसके मनसब से हटा कर उसको उससे नीचे के दर्जे पे ला के रख देने का नाम जुल्म है। तब यहां एक और खास बात कि जब कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका हश्र नूर में नहीं होगा। तो जो लोग खुद अपने आप पे जुल्म करे तो उनका हश्र नूर में कैसे हो सकता है? और अपने आप पे जुल्म क्या है? गुनाह करना ही अपने आप पे जुल्म है, क्योंकि जब गुनाह करोगे तो यही गुनाह तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। यानी खुद को जहन्नमी बना रहे हो और अपने आप को जहन्नमी बना रहे हो, तो ये अपने आप पे जुल्म है और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। किसी को अल्लाह हुकूमत दे, ताकत दे, मनसब दे, इख्तदार दे। आमतौर पर ऐसा होता है कि मोहल्लों के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है, तो वो दूसरों पे जुल्म करते हैं, दबा करके रखते हैं। लेकिन जुल्म की रात बहुत तवील नहीं होती, एक ना एक दिन जुल्म की रात खत्म हो करके रहती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। और ये भी खास बात है कि जब कोई बंदा जुल्म करता है तो वो जुल्म तो कर लेता है ताकत के बल पे, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं होता। जालिम हमेशा बेचैन होता है, जालिम हमेशा बेकरार होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आजकल जुल्म तो कर रहे हैं लेकिन खुद चैन से नहीं, अलग अलग अंदाज से उनके चेहरे बताते हैं कि वो किस तरह मुजमहिल है, वो मुस्तरीब है, वो ये उनका जुल्म है। और वो वाकया कितना खूबसूरत है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे बकरियां चराते हुए हाथ का तकिया लगा करके सो रहे थे और एलची आया रूम का और इस तरह सोते देखा तो उसने कत्ल करने की कोशिश भी की। वो वाकया आपको पता है और आप जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा दे के गुजरना चाहता हूँ कि वो रोम का एलची है। उसने सोचा कि जिसके नाम से कैसर किस तरह के ताजदार कांपते हो, वो अकेला इस तरीके से सो रहा है, तो उठाई तलवार के उनको कत्ल कर दे, शहीद कर दी। जैसी करवट बदली तो चेहरे की हैबत से तलवार गिर गई उसके हाथ से। आपने पूछा कौन हो, तो कहा कि मैं एलची हूं। बात हुई तो उसने पूछा कि हमारे ताजदार बड़ी सिक्योरिटी में भी चैन से सो नहीं पाते, वो बेचैन रहते हैं, आप अकेले इतने चैन से सो रहे हैं? जो आपका जवाब था वो बहुत तारीखी जवाब है। आपने फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता, जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म मत कर, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। इसी तरह औरतों पर भी जुल्म मत कर, तुम्हारे मातहत जो लोग नौकरी करते हैं उन पे भी जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, इसलिए कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और जब भी अल्लाह की मखलूक पे जुल्म होता है अल्लाह को अजियत पहुंचती है और अल्लाह जालिम से बदला लेता है। हदीस पाक में आया है कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे भी जुल्म करे तो जुल्म करने वाला पहाड़ चंद दिनों के अंदर रेजा रेजा हो जाता है।
फिर उन